मनीष दुबे पर विभागीय जांच के बाद उन पर कार्रवाई हो सकती है, निलंबित हो सकते हैं। इससे पहले भी जहां पर वो पोस्टेड थे उस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। मनीष दुबे हो या ज्योति मौर्य हो, दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ज्योति मौर्य प्रकरण पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ज्योति मौर्य के आशिक तथाकथित मनीष दुबे कभी भी हो सकते हैं निलंबित। इस पर बात करने के लिए इस वक्त सीधा हमारे साथ अमित सर हमारे चैनल हेड जुड़े हुए हैं। सर, क्या जानकारी निकल के सामने आ रहा है? देखिए विकास, निश्चित रूप से ज्योति मौर्य प्रकरण पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि मनीष दुबे पर विभागीय जांच के बाद उन पर कार्रवाई हो सकती है, निलंबित हो सकते हैं। जी हाँ, देखिए दो तरफा जांच चल रहा था उनके खिलाफ। एक तरफ भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले पर जांच चल रहा था, क्योंकि इससे पहले भी जहां पर वो पोस्टेड थे उस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद उनका तबादला किया गया था। दूसरा, आलोक मौर्य ने भी शिकायत की थी जी डीजी से, होमगार्ड डीजी से। उसके बाद डीजी ने डीआईजी को दिया था जांच का जिम्मा, और जो विभागीय जांच हुआ है तो दो तरफा फंसते नजर आ रहे हैं मनीष दुबे। जांच में दोषी पाए गए हैं, डीआईजी ने डीजी को रिपोर्ट सौंप दी है, और जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि जांच में दोषी पाए गए हैं और रिपोर्ट सौंप दी गई है होमगार्ड डीजी के पास, डीआईजी ने सौंप दी है। अब निलंबित कर सकते हैं डीजी उन्हें, हालांकि जो कुछ भी फैसला लेंगे वो डीजी लेंगे, लेकिन जो विभाग के अंदर खाने से खबर आ रही है कि मनीष दुबे को निलंबित किया जा सकता है। तो देखिए बड़ी खबर है, और मनीष दुबे पे सबकी नजर थी, क्योंकि पूरे देश में मांग हो रही थी कि मनीष दुबे हो या ज्योति मौर्य हो, दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखा भी होगा कि हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा ने किस तरह मांग की थी, पूरे मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और कहा था, योगी सरकार से भी अपील की थी कि दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि समाज के सामने एक बड़ा मैसेज जा सके। और भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो दोनों के ऊपर हैं, लेकिन फिलहाल जो खबर है कि मनीष दुबे जो हैं इस आरोप में विभागीय जांच में कहीं ना कहीं फंस गए हैं, और उसके बाद उन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो देखिए, मनीष दुबे पिछले कई दिनों से विवाद में थे, कई उसके बाद वो बयानबाजी भी कर रहे थे, उनका तबादला भी हुआ था, फिर भी वो बयानबाजी से पीछे नहीं हट रहे थे। आलोक मौर्य पे को कहीं ना कहीं उन्होंने टारगेट पे लिया था, और दूसरी ओर इस विवाद के बीच विभागीय जांच जो है और तेजी से चल रही थी, और अब विभागीय जांच में भ्रष्टाचार के आरोप में वो दोषी पाए गए हैं, और डीआईजी होमगार्ड ने डीजी होमगार्ड के पास रिपोर्ट सौंप दी है। अब कभी भी उन्हें निलंबित किया जा सकता है। विकास सर, पहले भी इनका तीन लड़कियों के साथ और अफेयर रह चुका है, संबंध रह चुका है, उसमें एक लड़की जो थी वो खुद डीआईजी के पास कंप्लेन भी दर्ज करवाई हुई थी सर, तो क्या इस मामले में भी जांच देखने को मिल रहा है? जी निश्चित रूप से, देखिए मैंने कहा कि कई तरह के आरोप उन पर लगे हुए थे मनीष दुबे पे, और चौतरफा जांच हुई है। आलोक मौर्य के जो कंप्लेन था उस पर जांच हुई है, इससे पहले जहां से पदस्थापित थे वहां पर भी इन पर कई तरह के आरोप लगे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो तमाम मामलों में जांच हुई है। विभाग ने पूरी जांच की है, डीआईजी ने पूरी जांच की है, उसके बाद जो रिपोर्ट डीजी को सौंपा है। और देखिए, इस तरह के आरोप मनीष दुबे पे कोई नए नहीं है, पहले से भी आरोप लगते आ रहे हैं, और बड़ी बेशर्मी से मनीष दुबे जो है उसे डिफेंड करते नजर आ रहे थे, उल्टे आलोक मौर्य पे वो निशाना साध रहे थे, लेकिन अब बुरे फंस चुके हैं। अब इस बार तो मनीष दुबे की बारी थी, अब देखना है कि एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ भी जो कंप्लेन हुआ है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन मनीष दुबे पर अब विभागीय जांच के बाद कार्रवाई निश्चित नजर आ रही है। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर ये अहम जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मनीष दुबे पर कार्रवाई अब निश्चित हो गई है, मनीष दुबे को बहुत जल्दी निलंबित किया जा सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ज्योति मौर्य पे कार्रवाई कब होगा, और उन पर जो जांच टीम बैठी है उनका क्या कुछ रिपोर्ट निकल कर सामने आता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सर ये अहम जानकारी देने के लिए। फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही
बेल आइकन दबाना न भूलें।